नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेराव और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे जो वीडियो आ रहा है उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद वीडियो के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। ओके सर, कर लेंगे। ठीक है, कलेक्टर साहब का फोन है यहाँ, 7 किलोमीटर दूरी है। हाँ, ये घूम के आइए। ये तो ऑफिसर कॉलोनी के लिए है। अभी पीछे है ना, कौन से बोला? लक्ष्मी नगर का लिखा है, बड़ी लक्ष्मी नगर थोड़ी है ये, हमारे को पता नहीं वो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। रमेश है। अच्छा, ये गाड़ी कहाँ से लाई और कहाँ ले जा रहे हो? ये रोड़ी बस स्टैंड के सामने आइडेंट लगा है। हाँ, वहाँ से यहाँ से साहब आए। हाँ, वो मंगवाई गाड़ी। हाँ, ये पानी कौन सा है? काल रात वाला है। काल रात वाले। तो ये किसके लिए खाली गाड़ी लेके आए? वहाँ लेने के लिए आए ना, किसके साहब? वहाँ फोन आया ना, वहाँ एडेंट पे वो नहीं है, बराने वाले। हाँ नहीं, यहाँ कहाँ खाली कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? अंदर कॉलोनी है ना, ये सब लोग रहते हैं। सब लोग रहते हैं उनके लिए। अच्छा, कितनी टंकी है ट्रैक्टर के अंदर होगी? 7 टंकी पानी है। 7 टंकी। कितना लीटर पानी है? 28,400। 28,000 लीटर पानी। तो ये तो अकाल रात गाँव में जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ के लिए होती है या अधिकारियों के लिए होती है? अधिकारी ने फोन किया तो आई है ना, मैं तो लेके आया हूँ। अधिकारियों ने आपको कहा है? अधिकारी मेरे को नहीं कहा ना, हाईडेंट पे आया अधिकारी, वहाँ से गाड़ी भरवा गई, मंगवाई। कौन कौन से अधिकारी? नाम क्या अधिकारी का? हम थोड़ी जानते हैं। अच्छा, आपको तो ठेकेदार ने कहा? अभी वो बुलाता अधिकारी को। आपको ठेकेदार ने कहा? हमारा ठेकेदार ने कहा, वो जो यहाँ सब लोग है ना, उन्होंने मंगवाई, अभी उनको बुलाते हैं। 2 मिनट रुको। कितने अफसरों की गाड़ी घर गए अपनी टंकियाँ डला रहे हैं? वो हमारे को पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ, भरवाने वाले से बात करवा लेता हूँ। तो बोले वो तो अंदर है कॉलोनी के अंदर, बोले वहाँ यहाँ गाड़ी खाली है, सरकारी कर्मचारी गाड़ी खाली होने की थोड़ी होती। कलेक्टर साहब बुला के। तो इतना वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं हम। दरअसल इस भीषण गर्मी में पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में हर वर्ष पानी के लिए हाहाकार होता है, जिसके लिए सरकार अकाल राहत हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में और जहां पर पानी नहीं होता है वहां पर पेयजल आपूर्ति के लिए टैंकरों की सुविधा करवाती है। टैंकरों के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता है। कई बार तो टैंकर पहुंचते हैं, कई बार नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के टैंकर समय पर पहुंच जाते हैं उनके क्वार्टरों में। ये वीडियो इसी का ही है। बाड़मेर पंचायत समिति के ठीक पीछे जो क्वार्टर हैं अधिकारियों के, उनके क्वार्टरों तक टैंकर पहुंच गया और ट्रैक्टरों के माध्यम से उनके घरों में पानी सप्लाई हो रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके भी पानी की दिक्कत है। इन कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि हमारे पिछले लंबे समय से इसी प्रकार की पानी की दिक्कत है और हम लोग परेशान हो रहे हैं, 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। कई बार अधिकारियों को कहा, विभाग के कर्मचारियों को कहा, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं पहुँचा, तो हमने उनको कहा कि हमारे लिए पानी की सुविधा कीजिए, तो उन्होंने वैकल्पिक के तौर पर हमारे टैंकर भिजवा दिया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पानी की दिक्कत थी, अब पानी का टैंकर आ गया है, उसमें हमारी क्या गलती। अब आप सुनिए कि जैसे ही हम इस टैंकर ड्राइवर के पास पहुंचे तो उसने कहा, भाई हमको तो यहाँ भेजा है खाली करने के लिए और मैं आया हूँ और हमें दिखा रहा है कि देखिए टैंकर कहाँ खाली हो रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम वहाँ पर गए और यहाँ पर जो अधिकारी हैं ट्रैक्टर वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की कि टैंकर कैसे आए। तब हमें मालूम चला कि यहाँ पर वाकई में पानी की दिक्कत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या टैंकर ये अधिकारियों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए है, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में एक एक घड़े पानी के लिए तरस रहे उन तमाम लोगों के लिए जिनको वाकई में पानी की दिक्कत है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि खुद के पैसों से पानी के टैंक डलवा सकें। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर इन कर्मचारियों और अधिकारियों का क्या कहना है। मैं आपका खेत सिंह। अच्छा खेत सिंह, ये ट्रैक्टर कहाँ से भरे और आपने कहाँ डाल रही है? ये टैंकर से अभी यहाँ से भरे। हाँ, नहीं समझ गया, अंदर डाल रहे जो क्वार्टर है। हाँ। तो किसने भेजा आपको, मतलब को बुलाया था या क्या था? हमारे को बुलाया था। वो कौन? अच्छा, आप आपको खाली टैंकर से भर करके डालने हैं। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश। अच्छा कैलाश जी, कहाँ रहते हैं आप?
मैं यही पंचायत समिति कॉलोनी। अच्छा, यहाँ आप कार्मिक के पंचायत समिति। तो आप पानी के टैंकर किस प्रकार से क्या कैसे आए, या पानी की समस्या है क्या है? पानी की समस्या यही है, पिछले डेढ़ महीने से पानी की समस्या, बिल्कुल भी पानी यहाँ तीन चार क्वार्टर में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सबके क्वार्टर में थोड़ा सा पानी आता है, उसके बाद हमारे चार क्वार्टर है, चारों में किसी एक दिन पानी नहीं आता। इसके लिए मैंने 4 मई को मैंने वहाँ इसका जो कंप्लेंट दर्ज नंबर होता है वहाँ मैंने रजिस्टर में दर्ज करा रखी है। इसके बाद में मैंने कई जयन जो है, पवन जांगीर जी है, जगमाल जी है, इनसे लगातार कांटेक्ट में हूँ और पर डे इनको बताता हूँ कि ये समस्या है, लेकिन कोई इस तरह समाधान अभी तक निकला नहीं। ये कह रहे हैं बहाना ये बना रहे हैं कि भैया बहाना है कहो या कोई भी समस्या है कि ये लाइन चौक है, तो मैं लाइन चौक का कोई इनको समाधान कीजिए। तो लाइन का समाधान नहीं हो रहा, तो वो कह रहे हैं कि हम व्हीकल व्यवस्था के लिए आपके लिए पानी भिजवा देंगे, अभी करवा देंगे। पिछली बार भी ट्रैक्टर भिजवाया था, आज भी ट्रैक्टर भिजवाया है। अच्छा, तो ये समस्या कब से है? अगर ये डेढ़ महीने से। अच्छा, सरकारी कार्मिक जो हैं वो सरकार खुद इस कर्मचारी इस पानी से समस्या जूझ रहे हैं, तो आम लोगों की क्या हालत होती होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत? तो आप अंदाजा लगा सकते हो। ठीक, आपका वहाँ कहाँ लगी हुई है और क्या किस पोस्ट पर है? तो के अधिकारी हूँ, एक हमारे डब्ल्यू साहब है, चैन जी हमारे। ठीक।